करने के लिए डर रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है। रास्ता में जैसे डीप जंगल से हम जा रहा है, ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत फन का है, गुड एक्सपीरियंस अबाउट ये जंगल का रास्ता फेस करके चलना। आपको जब पता होता है बहुत दूर के बाद आपको रहने वहाँ जाकर पहुँचना ही पहुँचना है, इसके पहले एक कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे रास्ते में 8.5 किलोमीटर का दूरी है, एक पास है, ये लकड़ी का पास बना हुआ है, उस साइड से पुराना टूट गया था, पता नहीं ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पूरा आने के टाइम लिखा हुआ भी है जे ऐसे ऐसे सामान खुद के पास होना चाहिए, तो हाँ ये चीज़ है। हमारा एक सर्विसिंग हो रहा है शरीर का, अरे रास्ता देखने का, इतना एक जंगल में चलने का, ऐसे नॉर्मल वाला लो लैंड में जो जंगल है इसमें तो आप चढ़ने का मज़ा नहीं होता, वहाँ बहुत खतरनाक होता है और रास्ता भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जैसा है इतना खतरनाक नहीं है, ये सबसे अच्छा है। नजराना है इधर का फूल के दख रहोगी और चिड़िया के भी आवाज़ आप सुनते रहोगे पूरा रास्ता से चल चल। तो हम करीब 3.75 किलोमीटर आ चुका है, ये देखे लगता है ये महाप्रस्थान के लिए रास्ता है, ऐसे ही लगता है। इसे चिड़िया और हमारा सांसों और हार्ट की आवाज़ छोड़ के और कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई और बाज ये कमन है, आदमी रहने के लिए है तो एक गांव है, बस अरे पहले बार आदमी मिला देखने के लिए, वो देखो उधर खड़ा है। जाना है ये पास है, ऐसे गौरंग सेतु है, नरवरे है, ये वही पास है जो टीवी मैप में है लिखा हुआ है।
ये रास्ता का हालत है, क्या है ये चीज, बर्फ का रास्ता है, रास्ता पूरा जम गया है, बर्फ सीजन जैसा है ऐसा चक्कर ठीक है। इधर से हम चलेंगे, ये डंडा बैठ जा रहा है, देखा कितना लंबा पता नहीं, तो ये सिचुएशन इज वेरी टफ। कोई बात नहीं, अभी हम इसको चलेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि हमारा गाइड आगे निकल गए। ये पुराने का मजा ही हो गया, तब भी है इसको गाइड का, इसमें पैर जाका जाके चल रहा है। ओए तेरी तो, ओए आंखों भी धुंधला होके जा रहा है, इसको देखो उधर देखो, हर तरफ का है। कैसा हुआ? अच्छा, बढ़िया खेलकूद। अभी लंच टाइम है, दोपहर को 1 बज चुका है। अभी यहाँ से हम खाना खाने के बाद 1.5 किलोमीटर मिनिमम बाकी है। चलो ये थोड़ा ये देखो, ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही है। कुछ भी हो सकता है, बहुत खतरनाक है। मजा तो आया यहाँ चलने का, ये खतरनाक जगह से। रास्ता ब्लॉक हुआ है, और ये लोग कहाँ से जा रहे हैं? आ जाओ, ये है बहुत ही खतरनाक सा सफर और बहुत ही डेंजरस है। ये देखिए कैसे उतर आए, और बर्फ का नहीं उधर, नहीं इधर से चले, थोड़ा गल गया। ये हाल ही का है, थोड़ा पुराना ऊपर है, वो बना है बढ़िया। थोड़ा सा इसमें नमक नहीं, थोड़ा सा मिट्टी। आप याद रखना, 40 साल पुराना गाड़ी, बहुत मजा आ रहा है ना। हमारा ये बर्फ का यात्रा शुरू है, थोड़ा उधर बादल भी आ गया, इसका हम कल से कवर करें। हम पहले तो बर्फ खा भी लिया आइसक्रीम की तरह। ओके तो बहुत मजा आ तो रहा है, चलने पे भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा जो कुछ है। ये है निशान चलने का, इधर जाएंगे हम अभी, ठीक है।
अभी और थोड़ा बर्फ है, इसमें चलता है थोड़ा। देखिए ये बहुत खतरनाक है रास्ता, लेकिन अच्छा है रास्ता है अभी चलने के लिए है। अभी देखो पीछे पूरा बर्फ जैसे आया है, ऐसा नहीं आने का से हमको लेके आए। बहुत ही कठिनाई के ऊपर से अच्छा इधर सुंदर डूंगा है। हाँ। और इधर सुंदर डूंगा ग्लेशियर है, ये सुंदर डूंगा ग्लेशियर ऊपर वो ग्लेशियर है, ये पूरा साल में हमेशा के लिए ऐसे बर्फ रहता है ना। ना ये अरे अरे मजा तो ले ले हेलो बेटा मिठा है वाह। यहाँ तो 500 फीट होगा नीचे तक। आराम से, अरे ये तो जा ही लेंगे जब तक पैर का निशान है और घर भी देख लिया जाना है। चारों तरफ बर्फ बर्फ ही है, आसमान का हाल। यहाँ से खड़ा उतरना है अभी पूरे इसके अंदर खड़ा है। ये देखो यहाँ पता नहीं कितना कितना दूर है, ये देखो पूरा घुस गया गंडा को, देखो और भी गुजरेगा, पता नहीं ये कितना जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा गुजरेंगे तो इसको निकल नहीं पाएंगे। देखा ज़्यादा पोजिशन नहीं है, मज़ा ज़्यादा गिर गया था तो भी घुस गया इसके अंदर ओए भाई पैर के अंदर घुस गया ठंडा। चलो ये घर दिखाई दे रहा है, उसे गलम ताला बिल्कुल जी बिल्कुल, नो टेंशन बिल्कुल, यहाँ से एक सेल्फी हो जाए भाई। हेलो या खुल गया गेट, नमस्कार कैसे हो आप? बढ़िया वाह, कम से कम आगे पहुंच गया, हम तो टेंशन था यहाँ पे कोई होगा क्या नहीं, बोल रही है नीचे से तो डरा दिया था कोई नहीं मिलेगा वहाँ पे, बताइए हम आगे तो पहुंच गया। वाह नाइस, आओ यहाँ पूरी आया है आसपास पूरा साफ देख ही है, पूरा बर्फ में छाया हुआ है और चार पांच से ये लगा हुआ है, ये तार जंगली जानवर जैसे ना आ सकते, ये पीटर लुटी का है रहने के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये जा रहा है बहुत लंबा इधर हिमालय का व्यू दिखाई देता है, और यहाँ पे जो दो चार ग्लेशियर है सब इधर है, यहाँ का ये सबसे बहुत बढ़िया है। और देखो ये बार के ऊपर एक देखो वाह,
अच्छा था, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। वाह, पूरा देखो एकदम मिल गया है, देखो इधर जाना नहीं है, कल सुबह काफी सब पहनेंगे पहनेंगे। हाँ ये देखो बर्फ जमी हुई है पूरे साइड से, पूरा भरा हुआ है और इधर एक गोल तरह हो गया देखने के लिए। और अभी शाम देखो चल रहा है, सबसे अच्छा चीज़ है यहाँ का जो अभी ये लाइटिंग है, ये नेचर का लाइट बहुत बढ़िया आ रहा है और इसके साथ ये बर्फ का अच्छा नजराना बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आने के बाद रियली दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये शाम को टाइम हम लोग का साथ ये गर्म कॉफ़ी है लाख लिया है, क्योंकि अच्छा है थोड़ा हार्ड है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठंडा हवा आ रहा है और धूप भी निकल रहा है अभी, लेकिन ये गर्म कॉफ़ी हमको पूरा ऊर्जा दे रहा है। ये हमको आग जला देगा, इसलिए लकड़ी लेके आया आग जलाने के लिए। अभी भी थोड़ा बचा है। अच्छा वाह, बढ़िया है रहने के लिए, गुड रूम, गुड कंडीशन। हाँ ये फायर प्लेस है, वाह लाइट भी जल रहा है, इट्स गुड।